हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करवा रहा हूं, जिसमें मैंने इंटीग्रल चैप्टर्स का आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 7 है, तो मैं कर एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के लेक्चर भी मेरे चल रहे हैं, जिसमें मैं बतौर मैं कंसेप्ट बता रहा हूं और उस पर बेस मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो अगर आपको एनसीईआरटी के पहले अगर आप वो लेक्चर्स देखें इंटीग्रल्स का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब कि आपको ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन से पहले आप वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको मज़े आ जाएंगे। तो अब अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर शेयर करें। आपको और भी अगर स्टडी मटेरियल चाहिए या आपके डॉट है, डॉट क्लियर करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसके चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या उसको इंटीग्रल भी बोलते हैं फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो कॉस 2x का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x। तो साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx माइनस 1/2 कॉस 2x। डेट मीन्स साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉस 3x, तो dy/dx साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 cos 3x। तो cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx 1/3 साइन 3x। अब अगर मैं कॉस 3x का इंटीग्रेशन करूं, तो इसका आंसर 1/3 साइन 3x प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि p^2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2e^2x। तो e^2x बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx 1/2 e^2x। डेट मीन्स e^2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 1/2 e^2x प्लस सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अगर मैं dy/dx ax प्लस बी का क्यूब, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो हो जाएगा 3 ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy/dx 1/3 ax प्लस बी का क्यूब। तो ax प्लस बी का, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा, 1/3 ax प्लस बी का क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दो है तो इसको दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। dy/dx cos 2x का क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 2 साइन 2x। तो साइन 2x इक्वल टू dy/dx माइनस 1/2 cos 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x। और अगर मैं 3 इसकी बात करूं, dy/dx 4e^3x, इसका क्या हो जाएगा, 4 तो खैर बाहर ही रहेगा, तो 12e^3x। तो e^3x का क्या हो जाएगा आपका, dy/dx 4/12e^3x 4 3। तो e^3
3s, तो आपको क्या लगना है, 4 को साथ में ही रखना है ना, तो 4 को साथ में रहने देते हैं, 4 3x, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4/3, तो क्या हो जाएगा आपका 4e3 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 4/3e3x। डैट मीन्स फाइनल आंसर हो गया आपका sin 2x - 4e3x dx का, दिस इज -1/2 cos 2x +4/3e3x इज द फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सब का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर फर्स्ट का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट को बाहर, e3x dx + dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e3x/3। मालूम है x के कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं, अब दिस इज x + c, फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं, x² 1 की जगह यहाँ देंगे तो x² से x² कैंसिल आउट, दिस इज -1 dx, ये हो गया आपका x² dx - dx, ये हो गया x³/3x + c, तो इसका फॉर्मूला ये है x^n का, x^n+1/n+n। तो मैंने पहले बोला था कि आप NCERT के सॉल्यूशन देखने से पहले मेरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस का आप लेक्चर देख सकते हैं, आपको सेकंड लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में फॉर्मूलेज वगैरह बताएं और बेसिक क्वेश्चन, तो देखने के बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सेपरेट करें ax² dx + bx dx + c dx, दिस इज ax³/bx²/2+cx+, और कांस्टेंट रखना तो कांस्टेंट k ले लेते क्योंकि c ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बार, दिस इज x²dx + e^x dx, इसका हो जाएगा x²x³/3+e^x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले इसको a - b के होल स्क्वायर से ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या फॉर्मूला होता है a - b² का, a² - 2ab + b², तो इंटीग्रल को आप आई से बता सकते हैं, इसको मैं फॉर्मूले से अगर ब्रेक करूँ तो √x² - 2√x × 1/√x प्लस ये हो जाएगा 1/x dx, तो x से x कैन रूट x से कैंसिल आउट। अब इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, x dx - 2dx + 1/x dx, तो दिस इज x²/2 - 2x + 1/x का log x + c। अब इसको आप कैसे बनाइएगा, इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, मतलब x² से सम में डिवाइड कर देते हैं, x³/5x²/x²-4/x² dx, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका x, सेपरेट भी कर लेते हैं dx, यहाँ बच जाएगा +5 dx - 4, और ये हो जाएगा x²-2dx, दिस इज i = इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2+5x, और यहाँ हो जाएगा -4, वही फॉर्मूला लगाएंगे n+1/n+1, तो n+1 - 2+1 - 1 - 1, ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया, तो फिर इंटीग्रेशन का साइन क्यों देना, तो आंसर शुड बी x²/2+5x और -4x + दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, x³√x + 3xy√x + 4y√x dx, x³ और x^(1/2) है तो 3 - 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ हो गया x^(5/2dx + 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा √x से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज √x dx,
और इसको 4 बार 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें भी वही फॉर्मूला आप लगाना पड़ेगा, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स 7y2 अपॉन 7y2 प्लस रूट एक्स है तो एक्स का पावर 1/2 है, तो 3x 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4। और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। या थोड़ा बहुत चेंज करना है ये कर सकते हैं कि 2 ऊपर चला गया, 2x टू द पावर 7y2 अपॉन 7 प्लस 3 से 3 गया, 2x टू द पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 है तो इसको आपको जो है ऊपर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसको पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब देखो दो तरीका है, नीचे x माइनस 1 है ऊपर तो आपको x माइनस 1 एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब x माइनस 1 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, एक कैंसिल आउट, यहाँ से एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, एक्स माइनस 1 एक बच गया मतलब प्लस 1, तो डैट मीन्स ऊपर का जो फैक्टर हो गया वो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, नीचे एक्स माइनस 1 डी एक्स, इससे एक कैंसिल आउट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए ये तो रूट एक्स है तो इसका तो पावर हो गया आपका 1/2 माइनस एक्स का पावर 1 और 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस 1/2, तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3/2 डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, मतलब इसमें भी वही फॉर्मूला लगा, एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट एक्स और प्लस 3 बार तो रूट एक्स इंटू डी एक्स, सब जगह डी एक्स हो जाएगा, तो दिस इज आई इक्वल टू ये हो जाएगा 3 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5/2। अगर कभी करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रकार कर लीजिए, 1/2 प्लस 2, तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, दिस इज 2 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 तो एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लग जाएगा, x टू दी पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। आप यहीं भी छोड़ दें या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 6 x टू दी पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 ऊपर गया, 4 x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस ये 3 से 3 गया, 2 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इंटीग्रेशन करना है तो आई इक्वल टू बाहर रखें एक्स डी एक्स, दिस इज माइनस 3 बाहर, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, 2 से 2 गया, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स प्लस फाइव रूट एक्स डी एक्स, तो दिस इज टू एक्स क्यू बाय थ्री माइनस थ्री, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये प्लस हो जाएगा थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव, और एक्स रूट एक्स का हो जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक काम करते हैं सेक एक्स को अंदर भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको सेपरेट भी कर लेते हैं सिंपल से, डी एक्स डी एक्स ता इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर, तो इसका तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं सेक को लिख देते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ गया, तो आई इक्वल टू ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इस पर काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई टू को बाहर कर देंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, एक साइन वाई कॉस क्या हो गया टेन एक्स और एक वन वाई कॉस हो गया आपका सेक एक्स डी एक्स, दिस इज डी एक्स, तो सेक एक्स का क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, और इसका हो जाएगा आपका टेन एक्स एक्स सेक एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इसका भी आपको क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है रूट एक्स डी एक्स प्लस वन वाई रूट एक्स, खरे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स थ्री वाई टू अपॉन थ्री वाई टू, और वन वाई रूट एक्स का हो जाएगा टू रूट एक्स प्लस सी, ज़्यादातर क्या कर लेंगे इसको अरेंज कर लेंगे थ्री वाई टू अपॉन थ्री प्लस टू रूट एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाय एक्स फोर, और सच दैट एफ टू इक्वल टू जीरो, तो एक काम करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं सबसे अच्छा है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा, दिस इज फोर एक्स फोर बाय फोर माइनस थ्री, और एक्स माइनस ऊपर माइनस फोर गया तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर क्या होता है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस सी, तो फोर से फोर गया इससे ए गया, तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स टू दी पावर फोर और माइनस ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स क्यू प्लस सी। अब वैल्यू रख देते हैं क्या दिया हुआ है एफ टू इक्वल टू जीरो, तो एफ टू मतलब एक्स की जगह पर आप टू रखें टू टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन टू टू दी पावर थ्री प्लस सी, एफ टू तो ये जीरो हो गया और इधर हो जाएगा टू का पावर फोर सिक्सटीन और प्लस एट प्लस सी, तो सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी नाइन अपॉन एट, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, अब सी आ गया, अब इस सी की वैल्यू कहाँ रख दें यहाँ रख दें, तो दिस इज द फाइनल आंसर, तो एफ एक्स बराबर आंसर क्या हो जाए एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू माइनस वन टू नाइन वाई। तो ये मैंने इंटीग्रेशन के आपके फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया, दिस इज 7.1। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है,
और अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर का डिमांड है तो चैप्टर भी लिख सकते हैं, उसके लेक्चर में जल्द से जल्द बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा।